हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा जो बीपीएससी फाउंडेशन क्लास कराई जा रही है, चाहे वो 70वीं का हो, 71वीं का हो या 72वीं बीपीएससी का हो, उन सारे क्लासेस के लिए बिहार नमन जीएस के द्वारा इतिहास विषय के लिए एक बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार किया गया हुआ है। हम लोग इस नोट्स पे पिछले 1.5 सालों से काम कर रहे थे। हम यह चाह रहे थे कि जो बच्चों को हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाएं, अगर हम वो नोट्स दे रहे हैं तो उसके अलावा किसी भी किताब की जरूरत उसको ना पड़े, केवल ये नोट्स पढ़ ले, जो चीज़ हम उसको उपलब्ध करवा रहे हैं उसी से उनका काम हो जाएगा। तो इसी अब ये हम लोग का तैयार हो चुका है। हमने अपने जो क्लास के फाउंडेशन बैच में इनरोल्ड बच्चे हैं ये उनको प्रोवाइड भी करवा दिया है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको हमने कुरियर करवा दिया है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको हम लोग सेंटर पर दे दिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जो मटेरियल तैयार किया है या जो कॉन्टेंट है, उस कंटेंट को हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें। आप जाने देखें परखें कि आखिर हम लोग जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सार्थक होता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात होता है कि जब भी आप कंटेंट कोई भी संस्थान तैयार करता है तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका भाषा बहुत ईजी हो, उसमें जगह जगह चित्र का प्रयोग किया गया हो, फ्रेमिंग का प्रयोग किया गया हुआ हो, और सबसे बड़ी बात कि वो अप टू डेटेड हो। इतिहास में लोग ऐसे बोलते हैं कि अपडेट नहीं होता, कि ऐसी बात नहीं, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो स्थान होता है कि जो समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम, उसको भी हम लोगों ने अपने इस नोट्स में समाहित किया हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका भाषा इतना आसान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो क्लास नहीं भी करता है, उनको हल्के फुल्के जानकारी है, तो वो उन चीज़ों को कहानी के रूप में समझ सकता है। तो ये केवल हम लोग क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस नोट्स कैसा है, आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करते हैं इस नोट्स के कंटेंट को। है उसमें 3 वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम 1 हो गया जो प्राचीन भारत का इतिहास का है, ये हमारा वॉल्यूम 2 हो गया जो मध्यकालीन भारत का इतिहास का है, और ये हमारा वॉल्यूम 3 हो गया जो आधुनिक इतिहास का है ना। तो सबसे पहले हम आधुनिक इतिहास के देखते हैं कि इसमें कंटेंट कैसा है। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं कि ये इसका कवर पेज है हम लोगों का, और यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास का ये यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये 7 ब्लॉक है टोटल हम लोग के इस कंटेंट में। आप देखेंगे कि हमने जो कंटेंट दिया है वो दिया है 18वीं शताब्दी के भारत से लेकर के आगे जितने भी ईयर्स हैं, उन सारे ईयर्स को भी हम लोगों ने क्या किया, इसमें कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी का भारत है, फिर अंग्रेज़ों का भारत विजय है, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, ये हमारा कंटेंट हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं एक एक करके हम उसको बहुत बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करवाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे हम लोग यह देखते हैं कि पहला कंटेंट देखते हैं 18वीं शताब्दी का भारत का विषय में, देखते हैं कि देखिएगा ये जो पहला कंटेंट है 18वीं शताब्दी का भारत और राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें देखिएगा कि इसका जो लिखने का तरीका है, ये जैसे इग्नू का मटेरियल होता है ना, इग्नू का देख पढ़े होंगे या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसे हम लोगों ने फ्रेमिंग किया है इसको ताकि आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। अब देखिए, एक प्रस्तावना मतलब भूमिका होता है, भूमिका में कितना अच्छा से लिखा गया, एक एक फॉन्ट बहुत अच्छा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिएगा कि जितने भी चीज़ें हैं सबको हम लोगों ने बॉक्सिंग किया हुआ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने बॉक्सिंग करके दिया हुआ ताकि आपको एक जगह बहुत ही सुंदर कंटेंट समझ में आ जाए, दिखा जाए, क्योंकि ये प्रीलिम्स फोकस ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से संयोजित रूप से इसको हमने लिखा हुआ है। ये हमारे क्लास का एडिशन है, आप आगे देख सकते हैं। फिर अंग्रेज़ों का जो भारत बीज है उसमें क्या क्या कॉन्टेंट है, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्टेंट इतना डिटेल में देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप NCERT किताबें पढ़ लेते हैं एक बार, और तो उसके बाद में सीधा आप इस कंटेंट को पढ़ करके अपना इतिहास में पकड़ अच्छा कर सकते हैं। यकीन मानिए कि इसको पढ़ने के बाद में इतिहास आपको कहानी की तरह लगेगा, बहुत इजली वे में आपको समझ में आ जाएगा, और ये इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे भी क्वेश्चन BPSC यदि घुमा के पूछता हो, UPSC घुमा के पूछेगा, आप उसका बहुत ही आराम से जवाब दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इन सारे जो हमारे पास में मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स है, आप देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको संयमित किया हुआ है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हुआ है हमने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हम लोगों ने इसको चित्र का भी प्रयोग किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से यह समझ में आ जाए। तो ये क्या है कि ये समूचा मॉडर्न हिस्ट्री का ये इतना ही पेज का है, लगभग ये 264 पेज का है, यानी लगभग 130 पन्ने का किताब है ये, है ना। अब देखेंगे, फिर हम मिडाइवल में आते हैं।
तो देखिएगा मेडाइबल में सेम ऊपर में कंटेंट दिया पेज दिया हुआ है और मेडाइबल का ये हमारा कंटेंट है। आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में जितने भी घटनाएं हुई हैं सारे घटनाओं को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करवाया है ना। आपको दिखने से लगेगा कि इसका जो फ्रेमिंग है वो बिल्कुल इग्नू नालंदा जैसा है, तो हाँ वो वैसा ही है। ताकि देखिए होता क्या है कि स्टैंडर्ड किताब पढ़ने का एक कारण ये भी है कि हमको समझ में आना चाहिए। अब देखेंगे कि इतना सुंदर फ्रेमिंग किया है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हम कहीं का नोट्स पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको लगे कि हम कहीं का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं ना। ये बिल्कुल उसी तरह का एक तरीके से हम लोगों ने उसी को फॉलो करते हुए इस नोट्स को तैयार करवाया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हुआ है वहाँ चित्र दिया गया हुआ है ताकि इन चित्रों को आप अच्छे से समझ पाएँ। चित्र के माध्यम से चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। ऐसे ही ये नोट्स देखेंगे आप, बहुत सुंदर तरीके से अरेंज वे में लिखा गया हुआ है। जहाँ जहाँ है वहाँ आवश्यकता है नोट्स इमेज है, फ्रेमिंग किया गया हुआ है ना। आप देख सकते हैं ताकि आपको एक इमेजिन चलाया माइंड में, है ना। ये हमारा मेडाइवल का नोट्स हो गया। अब देखेंगे ये प्राचीन भारत के इतिहास का नोट्स है, तो ये हमारा वॉल्यूम है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मगध के उत्कर्ष से शुरू किया, छठी शताब्दी से शुरू किया है। इसके पूर्व वाला जो सिंह सभ्यता है वो अभी तैयार है, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ये हमारा मेडाइवल एंशियंट हिस्ट्री का ये कॉन्टेंट है। इन सारे कॉन्टेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया हुआ है, ताकि आपको। और हमने इसमें वाटर मार्क नहीं दिया क्योंकि उसी से पढ़ने में थोड़ा सा भद्दा हो जाता है, इरिटेशन होता है, बच्चों को नहीं पढ़ पाते हैं वो, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से अरेंज वे में लिखा गया हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप में आपको किसी भी चीज़ का देखिए ना, बीपीएससी पूछता है समहर्ता क्या होता है, प्रशस्ति क्या होता है, दंडपाल क्या होता है, द्वारपाल क्या होता है, कितना एक जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ फ्रेमिंग करके इसको डलवा दिए हुए, ताकि बच्चों को कहीं बाहर भटकना ना पड़े, वो एक ही जगह सब कुछ अपने आप को तैयार कर ले, है ना। ये इतना सुंदर तरीके से इसको हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम लोगों का नोट्स है, हिस्ट्री का है, ये केवल हमारे पीटी के लिए काम में देगा। तो आप सारे जो बच्चे हम लोगों का हैं, हम चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से उसको तैयार कर पाएँ। थैंक यू।